का टूरिज्म था जम्मू कश्मीर जैसा बात है। तशरीफ लाई और उसने कहा कि तहकीकात होगी सजा मिलेगी। तहकीकात होना या सजा मिलना वो तो दूसरी बात थी, लेकिन साहब की तरफ से, जनाब उमर साहब की तरफ से, आपकी तंजीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस जैसे में आज बारिश के बावजूद आए। आपसे मेरी सिर्फ एक अपील है, मुझे लंबी तकलीफ करनी थी लेकिन मैं बारिश की वजह से नहीं करूंगा, कि आपने 18 तारीख को निकलना है और वोट डालना है। यह मेहरबानी आप लोगों ने हम पे करनी है। आपके पहले भी अल्लाह ताला मियां बशीर साहब को सेहत दे और उनका साया हम सब पे बहुत देर तक रहे। उन्होंने बहुत खिदमत की है इस कौम की, बहुत खिदमत, सारी जिंदगी इस खानदान ने इस कौम की खिदमत की है और हमें यह भूलना नहीं चाहिए, हम भूल जाते हैं। मुझे याद है मैं आपके पास पहले भी आया था और जब जलसा वहां हुआ उसे मैंने कहा था कि ये जो मुफ्ती साहब हैं वहीं कि आपका वोट लेंगे मगर हमारे तशख्स को जम्मू कश्मीर जैसा बात है। मियां साहब क्या है? मियां साहब मेरी इज्जत, तेरी इज्जत, सबकी इज्जत, मेरी मेरा भाई 370 370 370 ये समझते हैं कि याद रखिए उसकी राखी बे आवाज है और जब आती है किसी को ठोक क्यों नहीं है। क्या किया उसने और द्राबू जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर, जबकि हमारी जमात में मियां साहब और दूसरे जो असेंबली में थे उनसे बार बार कहा यह कानून यहां मत चाहिए, हम खुद अपना बनाएंगे। द्राबू साहब ने क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़े, हम सब कुछ अपने पास रखेंगे। जब आपके हाथ मुश्किलें आई हम लोग 6-6 महीने राशन मुफ्त कर देते थे, हमें टैक्स की छूट लेनी थी हम लोग टैक्स की छूट दे सकते थे। आज यह हालत है जब से मानूंगा जी ने वो जीएसटी यहां लगवाया, हमारा ये एक आखिरी मत था जो हमें अपनी आजादी देता था, उसने ये कबूल कर। India is not what I see today. India is supposed to be democratic. And in a democratic India, media has to be honest, no straight. आज मीडिया को दबाया जा रहा है कि सिर्फ उनकी बात करो और सही बात मत लाओ। डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा कवरेज आपको भी देता है, हिंदुस्तान मैंने मानने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर साहब मीडिया सबसे ज्यादा कवरेज आपको भी देता है। मैं कवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो हिंदुस्तान के मामले हैं उनको आप उजागर नहीं कर रहे हैं। कल एक अहम बात निकली 3 लाख करोड़ रुपए की, कोई मखौल नहीं है, छोटी अमाउंट नहीं है। क्यों नहीं मीडिया ने इसको हाईलाइट किया? क्या लोगों को यह जरूरी नहीं है कि सच सुने? इसलिए मोदी 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 ये मैं हिंदुस्तान नहीं समझता। डॉक्टर साहब आपने कहा कि मशरूम ग्रोइंग हो रही है यहाँ पे, पार्टियां बन रही है डिवाइड के लिए। अब देखिए बताया मोबाइल किसने, यूपी का आदमी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, वो जम्मू से क्यों नहीं लड़ रहा है, उधमपुर से क्यों नहीं लड़ रहा है, यहाँ क्यों लड़ रहा है? तो डॉक्टर साहब लीगली कोई इसका ये है नहीं, कोई लीगल ये तो क्वेश्चन ऑफ लीगल
there is a thing interest in behind this. A very serious thing behind this. ये हमारे तशक्कुस को खत्म करना चाहते हैं।